देखा? हाँ अनु दीदी यार वाओ, लहंगा क्या? मैं लहंगा पहनूंगी डिब्स। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब देखो ये तो होना ही था, शादी का सीजन है। तुम यही सोच रही हो ना, एवरीवन अराउंड यू इज गेटिंग मैरिड एंड हैविंग किड्स एंड यू ऑन द अदर हैंड आर गेटिंग नोवेयर एंड हैविंग पैनिक अटैक्स। सबकी लाइफ शॉर्ट हो रही है। इवन अनु दीदी जो तुमसे 2 साल और 2 इंच छोटी है हैज फाउंड समवन। तो रिश्तेदार भी यही कहेंगे कि बेटा तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे माँ बाप की टेंशन दूर हो। हाँ यही सोच रही थी ना, सच बोल। नहीं, आई वॉज थिंकिंग छुट्टी ले पाऊंगी या नहीं। पर तुझे नहीं लगता तुझे सोचना चाहिए? जिस रेट से तेरे बाल झड़ रहे हैं, शुडंट यू वरी कि जिस दिन वो स्पेशल डे आएगा तो अपना मांग टीका कहाँ लगेगी? सोचो बेटे, सोचो। थिंक। क्या the shipment might be delayed? Okay. क्या सोचा? हाँ हाँ, तब से मुझ पे ऐसे चढ़ी है जैसे कन्विंस करने के पैसे मिल रहे तुझे। हद है। देख रहे हो विनोद, इनको लगता है कि मैं जरा से पैसों के लिए इन्हें शादी के लिए कन्विंस करूंगी। ऑफ कोर्स करूंगी, पर बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अंतरा अनु की शादी में आकर किसी लड़के से मिले तो जेब तो ढीली करनी पड़ेगी ना जोशी साहब। जी जी ठीक, ओके ओके, बाय पापा, लव यू। मम्मी पापा कुछ भी बोले मैं शादी में नहीं जा रही। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी, अब डोला रे डोला में मैं अकेले डोलूंगी, कितनी स्टूपिड लगूंगी। तुम्हारी स्टूपिडिटी की लोगों को आदत है। योर इंटेलिजेंस वुड बी सरप्राइजिंग। तेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता ना, योर वर्ड्स वुड हैव हर्ट माय डिग्निटी। पर अब डिग्निटी पहन के तो जा नहीं सकते शादी पे, पहनना लहंगा है जो तू खरीद के देगी तो चल। अंतरा यू नो तेरे ओपिनियंस को शॉपिंग में मैं यहां रखती हूँ। ये थोड़ा और ऊपर नहीं होना चाहिए? तू लंबी है ना, ऊंचाई से तुझे कम लग रहा है, वैसे ही रिस्पेक्टेबल लेवल है। चल ना, वी गोना हैव सो मच फन। लहंगा लहंगा लहंगा। क्यों मैं करूं तेरी फिक्र बता, शादी ये करे बैंड हमारी वजह। अब चैन से चाउमीन भी ना खा पाए इंसान, क्योंकि बुआ जी विल बी लाइक बेटा अब नेक्स्ट तुम हो। मैंने ताऊ जी के फ्यूनरल पे उनसे कहा था बुआ जी अब नेक्स्ट आप हो। अरे मैं ले आऊंगी तेरे लिए चाउमीन, तू चलना। बात चाउमीन की नहीं है, बात सही और गलत की है। अरे फूफा जी, हाँ आइए आइए बैठिए, कुछ लेंगे। ऑल आई एम सेइंग इज कि ऐसे नाच नाच के सबको बताने की जरूरत नहीं है ना, दैट यू आर हैप्पी। शांति से कहीं साइड में भी कर सकते हो। शादी करें सुसू नहीं। तुम नहीं समझोगी, एज अ 27-year-old लड़की आई कैन नेवर बी हैप्पी फॉर अ कपल। मैं चाहती हूँ जब तक मैं सिंगल हूँ दुनिया सिंगल रहे। सुनना, मैंने सुना है जिया जी बड़े अमीर है, जूता चुराई में ना उनसे बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, तो अपने स्टार्टअप में डाल देना, वैसे ही डूब रहा है। अरे यार ड्रॉप दिस, शादी नहीं हो सकती एटीट्यूड। तुझे पता है कितनी सही चीज होती है शादी? अच्छा तूने कर रखी है? नहीं, क्या कुछ तो बात होती होगी ना, लोग भाग कर करते हैं, उठवा कर करते हैं, कुछ तो दो दो करते हैं। मुझे एक भी नहीं करनी, लहंगा ले और घर चल। और बिल मैम? कितने का है? 34399। और डिस्काउंट के बाद? 34399। हम थोड़ा और देख लेते हैं। बिल्कुल मैम, मैं आपके साथ ही हूँ, आइए। राइट वाला, राइट वाला।
रखा है वैसे शादी में? अच्छा खासा फ्री टाइम है तुम्हारे पास, यूटिलाइज करो. लिव योर लाइफ, मेक न्यू फ्रेंड्स, गो ऑन एन एडवेंचर. आर यू लिविंग योर लाइफ, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, गोइंग ऑन एन एडवेंचर? अच्छा चल, हाइपोथेटिकली कैसा लड़का चाहिए तुझे? कुछ तो सोचा होगा. जो अपने काम से काम रखे, ज़्यादा बकबक ना करे, घर साफ रखे. पति चाहिए या किराएदार, क्या फर्क पड़ता है? इन दी एंड दोनों को तौलिया और वॉलेट तो ढूंढ कर देना पड़ता है ना. कुछ भी. हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, जैसे स्टूपिड सवालों का दिन भर जवाब देना पड़ता है. तो मत देना जवाब. वो तुम्हारे घर वालों से बात करे ना करे, तुम्हें उसके घर वालों से रोज बात करनी पड़ती है. और वो भी एक जन्म के लिए नहीं, नो 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 नो, 7 जन्मों का अटूट बंधन. बंधना किसे पसंद है यार? अरे तो वाइब मैच कराएंगे तो मेरी जान. मम्मी तो कहती है कुंडली मिलाई जाती है. मम्मी की लैंग्वेज में वही वाइब होती है. रहने दे, देयर जस्ट टू मेनी रेड फ्लैग्स. दिस इश्क का रंग भी लाल होता है. ऐसे एटीट्यूड से तो तेरा घर नहीं बसेगा. मुझे नहीं बसाना, तू बसा ले. यू हैव माय ब्लेसिंग्स. तेरा तो होगा ना बॉयफ्रेंड? नहीं है. तो वो लड़के कौन है जो रोज तुझे छोड़ने आते हैं? तो छोड़ने आते हैं ना, लेने कौन आता है? तो नहीं है. नहीं, इट्स ऑल वेरी कैश. कैश? तू पैसे के लिए कमाती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू पागल है क्या? कैश मतलब कैजुअल, नो फीलिंग्स, नो अटैचमेंट, थोड़ा थोड़ा कुछ है, देन वी स्टे फ्रेंड्स. तो बेसिकली तू प्लेबॉय है माही. लड़कों की वैसे ही कमी है तेरे आसपास है, तो तू दोस्त बना के घूम रही है. तो तू मानती है ना कि लड़कों की कमी है, तो तू सोचना शुरू कर दे, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अंतरा. मतलब अरे मैंने बहुत सपने देखे ना तेरी शादी के. अब सपनों की तो उम्र हो रही है और तेरी भी हो ही रही है. मैडम ब्राइडल लहंगा देखेंगी? ब्राइडल लहंगा क्यों, नॉर्मल लहंगा नहीं है? मैम आपकी उम्र देख के मुझे लगा कि आपकी शादी की हो गई है, बट नॉर्मल भी हमारे पास आइए ना, देखते हैं. नॉर्मल लहंगा दिखाइए. और मैं 27 की हूँ. अरे क्या बात है, मैं भी. आइए आइए आइए. काम मुश्किल है, रकम बढ़ानी पड़ेगी. तो बताइए मैम कैसा लहंगा देखेंगे आप शादी के पर्पस के लिए? ज्यादा महंगा नहीं अंतरा. दिस रीजन व्हाई लहंगा राइम्स विद महंगा. प्लीज आप दिखाइए कोई बढ़िया सा एकदम, है ना. अब क्या है ना, मेरे सारे अरमान मुझे इसी शादी में पूरे करने पड़ेंगे. तू शादी करेगी कि नहीं क्या पता. मैंने सोचा था शादी में हॉट लगूंगी तो 10 लड़कों से वैलिडेशन मिलेगा, फिर कैंडिडेट सोशल मीडिया पे डालूंगी तो और 100 लड़कों से वैलिडेशन मिलेगा. तू भी सेटल वेटल हो जाएगी, एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे. पर मेरी तो किस्मत ही खराब है. फालतू की एक्टिंग मत कर, मेरी शादी में तू एक आंसू नहीं टपकाएगी. और मैंने कब कहा कि मैं कभी करूंगी ही नहीं. फिर आई हैड अ प्लान. व्हाट प्लान? ये देखिए मैम, पहन के दिखाओ. व्हाट प्लान? मुझे लगा था 24 तक स्टार्टअप विल टेक ऑफ, 25 तक आई मीट समवन टॉक्सिक, 26 तक मुझे लगेगा कि आई डिजर्व समवन बेटर तो मैं उसे डंप कर दूंगी, 27 पे मैं थेरेपी में रियलाइज करूंगी कि मैं भी टॉक्सिक थी, 28 पूरा सेल्फ लव, एट 29 मे बी आई विल मीट समवन. सब प्लान किया था, सब, पर अब मुझे नहीं पता क्या. पर ये तो पहनवाने के पहले सोचना चाहिए था ना मैम. घूम के दिखाओ. फिर खरीदोगे? बस भैया ये वर्क नहीं कर रहा है, आप कुछ और दिखाओ. पापा यार, भैया आप ब्राइडल लहंगा लेके आओ. क्या क्या कर रही है माई? चीजें क्लियर कर रही हूँ, आप लेके आओ. जा तू ट्राई कर. नहीं. अरे करना, ट्रस्ट मी, इसे मैं मारूंगी, जा कर. गो गो गो. ये बहन है आपकी?
पड़ोस वाले के लेके क्यों घूमूंगी? शादी ब्याह ना बहुत हेक्टिक चीज है। वो तो है। आपकी हुई? नहीं मैडम, पता नहीं किसका श्राप लगा है कि दादाजी के पास से किसी की शादी नहीं हुई खानदान में। सैड रियलिटी है मैम। निकालो इसे प्लीज। हर जगह चुभ रहा है ये। प्लीज जल्दी नहीं। बैठ बैठ बैठ। ऐसे मैं नॉर्मल। तो क्लियरली ये तो नहीं चाहिए तुझे। तो फिर क्या? तो फिर क्या चाहिए मैडम? ये दुपट्टा, ये दुपट्टा पैक कर दीजिए। हम ये दुपट्टा लेके जाएंगे बस। ठीक ठीक है, पूरी दुकान ओपन है, चेक करवा दिए सिर्फ दुपट्टा। तो खाली हाथ नहीं जा रहे ना? नहीं, नहीं, अरे जाओ ना। आंटी सुन, नहीं जाते हैं शादी पे, मैं कोई बहाना मार दूंगी। नहीं चलते हैं, सारा ड्रामा मिस हो जाएगा और चाउमीन भी। वैसे अगर तू ये लहंगा पहन के जाती ना, पक्का अन्नू की स्पॉटलाइट छीन लेती। पर अब अगर तुझे ये जम नहीं रहा है तो तू चेंज कर ले। चल 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 जा, काटा है ना बहुत ज्यादा। हाँ की मैंने बात, वो शादी पे आएगी लेकिन लड़के से नहीं मिलेगी, शी इज नॉट रेडी। अरे हाँ रख लो अपने पैसे, नहीं चाहिए मुझे। अरे मम्मी वो क्या, मैं रेडी नहीं हूँ उसे विदा करने के लिए। और अपनी आंटी इतनी हॉट है ना, किसी भी उम्र में लाइन लग जाएगी लड़कों की इसके लिए। हाँ अच्छा ओके बाय बाय। एक फन फैक्ट बताऊँ, पापा ने तुझे शादी में आने के लिए कन्विंस करने के लिए मुझे 1,00,000 रुपये ऑफर किए थे। सोच तेरी शादी पर कितना खर्चा करेंगे। अच्छा एक बात बता, अगर तुझे सच्ची एक लड़का पसंद आए तो तू क्या करती है? अवॉइड करती हूँ। असली प्लेबॉय तो तू है। कोई बात नहीं आंटी, मिल जाएगा तुझे। Hey guys, how did you like the episode? यार क्या फिनाले था यार। अंतरा माई को देख के ऐसा लगता है जैसे मेरे खुद के सिबलिंग्स हो। They are so relatable. मेरा मन कर रहा है सारे 13 एपिसोड दोबारा देखा। Thank you so much for sharing so much love to Antra and Mai, our amazing sisters. Comments में बताइए your favorite moments of season 1. यार मुझसे season 2 का wait ही नहीं हो रहा यार, जल्दी आ जाए, मेरा entertainment नहीं रुकना चाहिए। अरे just because sisters का season 1 खत्म हो रहा है doesn't mean कि entertainment रुक रहा है। Just because. अच्छा हाँ। Arrange couple के नए episodes बहुत जल्द आने वाले हैं गर्ल यापा पे, so be ready to witness Anu and Rishi's arrange to love adventures. And stay tuned to watch the trailer on 16 July. And for such more amazing content, subscribe to Girlie Appa.